हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, वाटर होगा, जल होगा। जल से भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है एग्ज़ाम में आते हैं, तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के बारे में जानेंगे। जल क्या है, जल क्यों आवश्यक है? तो जब हम न्यूट्रिएंट को पढ़ते हैं तो जल हमारे पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यह भी कहते हैं कि जल को जब हम पीते हैं तो जल से हमें किसी भी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं मिलती है, बल्कि जो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन जल एक आवश्यक पोषक तत्व तो है। ऑक्सीजन की बात, अगर हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो किसकी होती है, तो जल की होती है। जीवित रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के बाद किसकी आवश्यकता होती है, जल की होती है। तो ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जल। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिन तक तो जीवित रह सकता है, परंतु जल के अभाव में मनुष्य ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जैसे भोजन है, तो भोजन हम करते हैं तो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। अगर हमारे बॉडी में जो भोजन है, भोजन का 56% ग्लाइकोजन का क्षय हमारी बॉडी में हो जाता है, तब भी व्यक्ति क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। अगर भोजन का जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये 56% तक क्या हो जाए, क्षय हो जाए, तो भी वह व्यक्ति क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में जो जल का प्रतिशत है, शरीर में अगर 26% हमारा जल जो है, 26% जल का क्षय हो जाए, क्या हो जाए, क्षय हो जाए, तो वह व्यक्ति का क्या होगा, वो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मतलब मृत्यु हो सकती है। हमने आपको क्या बताया कि जो जल है यह भी एक पोषक तत्व तो है। ऑक्सीजन के बाद किसी भी मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो है भोजन की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति भोजन नहीं खा रहा है तो कई दिनों तक जीवित रह सकता है, ग्लाइकोजन उसे जीवित रखने में हेल्प करेगी। 50% तक अगर उसका ग्लाइकोजन क्षय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब भी वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन अगर वहीं शरीर में उसके जो जल का अंश है वह सूख जाए या ख़त्म हो जाए, अगर 26% भी उसके बॉडी का जल खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है, भोजन के बिना तो कई दिनों तक जीवित रखा जा सकता है व्यक्ति को, लेकिन जल के बिना व्यक्ति को जीवित नहीं रखा जा सकता है। जल पर खोज किसने की, तो रबनर महोदय हैं। रबनर महोदय कौन है ये, तो प्राण शास्त्री बेता है, शरीर प्राण शास्त्री पेता। रबनर महोदय ने किसकी खोज की थी, तो जल के बारे में रबनर महोदय ने ही बताया था। कहाँ के हैं ये रबनर, ये रबनर हमारे हैं जर्मन के। कहाँ के हैं, जर्मन के। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये इन्होंने ही दिया था, रबनर महोदय ने ही। जल पर जब रिसर्च किया तो इन्होंने ही यह कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई व्यक्ति है उसके बॉडी में यदि भोजन का 50% जो है ग्लाइकोजन क्षय हो जाता है, तब भी वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन अगर उसके शरीर का जो जल है वो 26% अगर जल खत्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है या इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो हमारा जल होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना होता है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं और शिशु होते हैं, बच्चे और शिशु, तो बच्चे और शिशुओं में जो जल का प्रतिशत होता है वो कितना, कैसा होता है, ज़्यादा होता है। प्रौढ़ों में जल का प्रतिशत कम होता है, प्रौढ़ में, वृद्धों में जल का प्रतिशत कैसा होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति वसा को इंटेक करता है, वसा लेता है, उसकी बॉडी में जो जल का प्रतिशत है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक जल की मात्रा किस में पाई जाती है, तो बच्चों एवं शिशुओं में पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि जल हमारा कहाँ पर कितना स्टोर होता है।
अब हम जानेंगे कि जल कितना होता है हमारी बॉडी में। तो 55% से लेकर 70% तक हमारा जो शरीर है वो किससे बना होता है? जल से। कितना होता है? 55 से लेकर के 70% तक। और यही जल जो है प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना होता है? अगर प्रौढ़ व्यक्ति की हम बात करते हैं तो प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में ये 65% तक जल होता है। कितना होता है? 65% तक जल होता है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा शरीर निर्मित हुआ है, जो बना है, उसमें जल कितना 65% है? तो 55 से लेकर के 70% तक हमारा शरीर जल से बना है, जल शरीर निर्मित है। जल से शरीर हमारा क्या है? निर्मित है। और अगर हम प्रौढ़ व्यक्ति में जल की बात करते हैं तो कितना है? 65% है। जल है क्या? तो हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दो रासायनिक यौगिकों का सम्मिश्रण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रासायनिक यौगिक का सम्मिश्रण है। इसलिए जो जल का सूत्र है वो क्या है? H2O। H2O क्या है? जल का सूत्र है। इतनी बात समझ में आई? और क्या है? जल एक अकार्बनिक तत्व है, इसमें कार्बन के तत्व नहीं पाए जाते हैं। जल एक अकार्बनिक तत्व है। इतना बात समझ में आया? अब हम आगे क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो जल है इसका वितरण कहाँ पर कितना हुआ है। अब आगे जानेंगे जल का शारीरिक वितरण। जल का शारीरिक वितरण, तो जल हमारे शरीर में कई जगह पे रहता है, कई भागों में रहता है। 50% अगर हम जल की बात करते हैं, 50% जल कहाँ होता है? हमारे अंतःकोशिका द्रव में, अंतःकोशिका द्रव द्रव 17% जल कहाँ होता है? बाह्य कोशिका द्रव्य, बाह्य कोशिका द्रव्य। उसके बाद जो है 4% होता है रक्त प्लाज्मा में। 4% जल कहाँ होता है? रक्त प्लाज्मा में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 7% जल कहाँ होता है? तो 7% जल हमारे होता है लसिका द्रव्य में। छः प्रतिशत जल हमारे होता है ऊतक में। ये हमारे शरीर में क्या है? जल का वितरण है। अगर हम जल के वितरण की बात करते हैं तो 50% जल हमारा कहाँ स्टोर होता है? हमारे अंतःकोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद 17% जल जो है हमारा कहाँ होता है? 17% जल हमारे बाह्य कोशिका द्रव्य में होता है। 4% जल हमारे रक्त प्लाज्मा में होता है। 7% जल हमारे लसिका द्रव्य में होता है। और 6% जल हमारे टिश्यू में होता है। 6% जल हमारे कहाँ होता है? टिश्यू में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतः कोशिका द्रव में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 50% पाया जाता है इस प्रकार से। या रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 4% जल पाया जाता है। अब हम आगे जानेंगे जल प्राप्ति के साधन की। जल की प्राप्ति हम कैसे कैसे करते हैं? जैसे तरल के फॉर्म में करते हैं, ठोस के फॉर्म में करते हैं, कुछ ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे हम वसा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे भी तो हमें जल की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं के बारे में अब हम जानेंगे। आगे देखेंगे शरीर में जल की प्राप्ति। शरीर में जल की प्राप्ति, मतलब जल कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं।
तो सबसे पहला है जल मुख्यतः हम तीन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कितने से? तीन स्रोत से प्राप्त करते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है तरल भोज्य पदार्थों द्वारा, तरल भोज्य पदार्थों द्वारा। अब तरल भोज्य पदार्थ आप क्या क्या खाते हो इसको कमेंट कर दीजिएगा। जैसे शरबत हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया ना, छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब क्या है? हमारे तरल भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें क्या होता है? जल की प्राप्ति होती है। सेकंड हमारा है ठोस भोज्य पदार्थ, ठोस भोज्य पदार्थ। तो कुछ भोज्य पदार्थ हम ठोस लेते हैं उनसे भी हमें जल की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो ठोस भोज्य पदार्थ में हम क्या लेते हैं? अंडा लेते हैं। अंडे में कितना परसेंट जल होता है? 75% जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद फल एवं सब्जियों में कितना होता है? फल एवं सब्जियों में 75 से लेकर के 85% तक जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमारा अगला है अनाज। अनाज में कितना? अनाज में 8 से लेकर के 20% तक जल की प्राप्ति हमें होती है। इस प्रकार से हम जल की प्राप्ति भी करते हैं ठोस भोज्य पदार्थों के रूप में। अंडे से 75%, फल एवं सब्जियों से 75 से 85% तक, अनाज से 8 से लेकर के 20% तक हम क्या करते हैं? जल की प्राप्ति करते हैं। तीसरा हमारा है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा। जब हम ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा बात करते हैं तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम जल की प्राप्ति करते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो हम जल की प्राप्ति करते हैं, वसा लेते हैं तो हम जल की प्राप्ति करते हैं। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कितना जल हमको प्राप्त होगा? 0.6 ग्राम वाटर प्राप्त होगा, पानी। बात समझ में आई? ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कैसे हम प्राप्त करेंगे? अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 0.6 ग्राम हम पानी को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम 1 ग्राम वसा ले रहे हैं, 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो कितना प्राप्त करेंगे? 1.07 ग्राम पानी। उसी प्रकार से अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से हम कितना प्राप्त करेंगे? 41.1 ग्राम। बात समझ में आई? तो हमारे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम 1 ग्राम को जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो ऑक्सीकरण के द्वारा हम कितना पानी प्राप्त करते हैं उससे? तो 0.6 ग्राम पानी हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, 1 ग्राम फैट से हम 1.7 ग्राम पानी प्राप्त करते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन से हम 41.1 ग्राम हम जो है प्राप्त करते हैं पानी। तो ये है हमारे जल का जो है जल की प्राप्ति के रिसोर्स। जल की प्राप्ति के रिसोर्स कितने हैं हमारे? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तरल भोज्य पदार्थों के द्वारा। अब तरल भोज्य पदार्थ में जैसे हम नारियल पानी पीते हैं, लस्सी हो गया हमारा, छाछ हो गया, शरबत हो गया, लिमका हो गया, जू सूप हो गया, कोई जूस हो गया। तो ये सारे जितने भी हमारे पेय पदार्थ प्रोडक्ट हैं ये सब हम किसके से प्राप्त करते हैं? जितने भी हमारे सारे पेय पदार्थ प्रोडक्ट हैं उनसे हम जल की प्राप्ति करते हैं। ठोस भोज्य पदार्थों से भी हम जल की प्राप्ति करते हैं। अगर अंडे की बात करते हैं तो अंडे से हम 75%, फल एवं सब्जियों से 75 से 85%, अनाजों के द्वारा हम 8 से 20% तक जल की प्राप्ति करते हैं। अगर वही हम ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा बात करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 0.6 ग्राम पानी प्राप्त करते हैं, 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 1.07 ग्राम पानी प्राप्त करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 41.1 ग्राम पानी प्राप्त करते हैं।
अब हम आगे जानेंगे कि जल हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। अब आगे हम जानेंगे जल के कार्य। जल के कार्य, तो जल के कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते रहेंगे पॉइंट पॉइंट। तो सबसे पहला हमारा कार्य है घोलक के रूप में, घोलक के रूप में। जब हम घोलक के रूप की प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, घोलक के रूप में जल इस प्रकार से अपना रोल अदा करता है कि जो भी हम पौष्टिक तत्व लेते हैं उन पौष्टिक तत्वों को क्या करता है, उन पर रासायनिक अभिक्रिया करके उनको हमारे विभिन्न कोशों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह हमारा है घोलक के रूप में। तो जल हमारी बॉडी में घोलक के रूप में कैसे कार्य करता है, तो जब हम विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट को लेते हैं वह न्यूट्रिएंट हमारे सरल अणुओं में टूटते हैं, टूटने के बाद उनको विभिन्न कोशों तक पहुंचाना किसका कार्य होता है, तो जल के माध्यम से ये सारी क्रियाएं होती हैं। सेकेंड हमारा है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में। अगला हमारा है कोमल अंगों की सुरक्षा के लिए, कोमल अंगों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगला कार्य इसका है शरीर निर्माण की क्रिया के लिए, शरीर निर्माण का कार्य करना। हमारा है स्नेहक के रूप में, अगला है पाचन में सहायता, अगला है निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में। हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं निरुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में। तो ये सारे हमारे क्या हैं, जल के कार्य हैं। और क्या है, पोषक तत्वों के स्थानांतरण में, पोषक तत्वों के हस्तांतरण में। बात समझ में आई। अगर हम जल के कार्य की बात करते हैं तो यह हमारे बॉडी में घोलक के रूप में कार्य करता है, शरीर से तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन की सुरक्षा करता है, शरीर में निर्माण का भी कार्य करता है, स्नेहक के रूप में हमारी बॉडी में होता है, और पाचन तंत्र में हमारे पाचन में सहायता करता है, निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, और जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उनको स्थानांतरित करने का भी कार्य करता है। ये था हमारा जल के कार्य। अब हम आगे जानेंगे कि शरीर में जल का निष्कासन हमारे कहाँ कहाँ से होता है। शरीर में जल का निष्कासन, तो हेडिंग बनाएंगे शरीर में जल का निष्कासन। जब हम जल के निष्कासन की बात करते हैं तो जैसे त्वचा के माध्यम से भी हमारा जल निकलता है लगभग 20%, पसीनों के माध्यम से, किडनी के द्वारा भी, गुर्दों के द्वारा भी हमारे जल का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे, पहला है गुर्दे द्वारा, सेकेंड है त्वचा द्वारा,
तीसरा है बड़ी आंत द्वारा, अगला है फेफड़ों द्वारा, अगला है आँखों द्वारा, आँखों द्वारा, अगला है नाक के द्वारा, उसके बाद अगला है हमारा धात्री माँ के दुग्ध द्वारा, धात्री माँ के दुग्ध द्वारा। धात्री माता के द्वारा अगला है हमारा, अगला है हमारा धात्री द्वारा। तो हमारे जल का निष्कासन किन किन जगहों से होता है? जब हम गुर्दे द्वारा बात करते हैं तो गुर्दे द्वारा जल का निष्कासन मूत्र के रूप में होता है, त्वचा द्वारा पसीने के रूप में होता है, बड़ी आंत द्वारा मल के रूप में होता है, फेफड़ों के द्वारा जल वाष्प के रूप में होता है, आंखों के द्वारा आंसू के रूप में, नाक के द्वारा नाक श्राव के रूप में, और धात्री माँ द्वारा दुग्ध के रूप में, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। तो बात समझ में आई, जल का निष्कासन कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी से होता है? गुर्दे द्वारा होता है मूत्र के रूप में, त्वचा द्वारा होता है पसीने के रूप में, बड़ी आंत द्वारा मल के रूप में निष्कासित करते हैं, फेफड़ों द्वारा जल वाष्प की क्रिया द्वारा, आंखों द्वारा आंसू के रूप में, नाक द्वारा नाकस्राव के रूप में, और धात्री द्वारा जो है दुग्ध के रूप में हमारी बॉडी से जल का निष्कासन होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।